शुरू होगी कुछ देर में, उतना तक आप लोग लाइन पर बने रहें। आप सबों का स्वागत। और आज के लिए जो परमेश्वर का जीवित वचन, जो आह्वान वचन के रूप में हम सबों को बुलाना चाहता है, सुनने के लिए मंडली खड़े हो जाए। आज का आह्वान वचन जो हम सबों को परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार का आता है, भजन संहिता 119 उसका पद संख्या 33 आगे 34, 119 भजन संहिता 33 से 34 परमेश्वर का जीवित वचन यूं कहता है, हे यहोवा मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ पे मुझको चला क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। यहाँ तक आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर कि सचमुच पिता परमेश्वर विगत रात्रि भर के जीवन में हर एक प्रियजनों को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा और आज के इस पवित्र दिन पवित्र शुभ वेला में पिता परमेश्वर एक एक को आह्वान वचन के रूप में आपके सम्मुख आते हैं। हम हरेक को पिता परमेश्वर ग्रहण कर ताकि आपके वचन के निमित्त हम आज के दिन भर के जीवन के लिए या आने वाले जीवन
सफर के लिए पिता परमेश्वर आपके वचन के संगत होना चाहते हैं। महिमा गीतों के द्वारा हम सबों को अगुवाई कर ताकि आपके छत्र छाया में रखकर आपके आपका ही धन्यवाद और महिमा करना। पिता परमेश्वर हर एक कोई आपके विरोध में पाप अपराध किया है, सारे अपराधों को पिता परमेश्वर आपके बहाए हुए लहू से हमें दोषों पवित्र कर ताकि उसके द्वारा हम शुद्ध होकर आपका धन्यवाद और महिमा करें। गुनाहों को क्षमा कर प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, अनुग्रह से सुन स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दे, आमीन। मेरुरम के पढ़ाना गिरते हागा में से जाए बिजू का और सहायतान करना दिशु का चलन जलम रेम सुधा करना थोरे में को तुम से नो हो रहा मतों करना
के नाम उसका सातवां अध्याय
पद 7 से 16 पद तक, रोमियो 7 7 से 16। इसमें शीर्षक में दिया हुआ है व्यवस्था और पाप। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीत था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं। परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि इसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक पाप के हाथ टिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है।